इन मेटल्स का एक्सट्रैक्शन किस तरीके से हो रहा है, क्या प्रोसेस होता है या इनकी मेटलर्जी में क्या प्रोसेस है, वो हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कोरोजन, एलोए एंड अमलगम, तो उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप उसको कम्प्लीटली वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में एक पोल मैंने क्रिएट किया है, जो भी नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे उसके लिए पोल क्रिएट किया है, तो वो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। तो अब इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और स्टार्ट करते हैं, तो सबसे फर्स्ट हम एक्सट्रैक्शन ले रहे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। सबसे फर्स्ट हम ले रहे हैं मेटल सोडियम। सोडियम का हम एक्सट्रैक्शन स्टडी करेंगे कि सोडियम को किस तरीके से हम ऑब्टेन करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक इलेक्ट्रोलिसिस सेल देख रहे हो। इस इलेक्ट्रोलिसिस सेल में हम क्या करते हैं, मोल्टन सोडियम क्लोराइड फिल कर देते हैं, ठीक है। फ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ NaCl मींस मोल्टन NaCl एंड CaCl। आप NaCl और CaCl2 का मिक्सचर इसमें फिल कर रहे हो, और इसको अपन बोल देते हैं डाउन सेल। इलेक्ट्रोलिसिस जब NaCl का हम करते हैं तो डाउन सेल में करते हैं, और इस डाउन सेल में हमने क्या किया है, NaCl और CaCl2 का मिक्सचर फिल कर दिया है, विच कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर आयरन कैथोड। ये जो यहाँ पर बने हुए हैं ये क्या है, कैथोड है ये वाला पार्ट, और एनोड जो बना होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक है। ऑन पासिंग करंट द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। जब हम करंट पास करेंगे तो जो रिएक्शन है वो इस तरीके से होंगी, वो हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट होगा NaCl का आयनाइजेशन, जो मोल्टन NaCl है उसका आयनाइजेशन हो जाएगा, तो वो इस तरीके से होगा। NaCl जो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर फर्दर क्या रिएक्शन होती है, कलेक्शन ऑफ सोडियम एट कैथोड। ये जो कैथोड है, आयरन का जो कैथोड हमने यहाँ पर यूज किया है, इस पर क्या होता है, जो NaCl से Na+ बन रहा था वो यहाँ पर मूव करेगा, ठीक है, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है और सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये सोडियम कैथोड पर मूव करेगा, और जैसे ही मूव करेगा तो यहाँ कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम मेटल में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो पूरा NaCl है वो फ्यूज कंडीशन में है, मेल्टेड कंडीशन में, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, और ज्यादा टेम्परेचर पर जो सोडियम बन रहा है वो भी क्या होगा, हमारे पास लिक्विड कंडीशन में होता है और उसकी डेंसिटी कम होती है, तो यहाँ से अपवर्ड मूव कर जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ से हम मोल्टन सोडियम को कलेक्ट कर लेते हैं, ये डायग्राम में आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे हमने आयनाइजेशन किया था NaCl का इलेक्ट्रोलाइज किया, तो Cl- बना है, ये Cl- ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की तरफ, ग्रेफाइट एनोड की तरफ मूव करेगा, तो वो रिएक्शन कहाँ पे होगी, एनोड पर। ये Cl- इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl में, क्लोरीन में, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, है ना। तो क्लोरीन जब इसके दो एटम कंबाइंड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, Cl2 फॉर्म में, मींस क्लोरीन गैसियस फॉर्म में ये एनोड पर कलेक्ट हो जाता है। ये सक्शन पाइप के थ्रू हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप सोडियम को एक्सट्रैक्ट करते हो, और साथ में क्लोरीन गैस भी आपको मिल जाती है, जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो ये हो जाता है हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। डाउन सेल हम इसको बोलते हैं, जो पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है सोडियम के एक्सट्रैक्शन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। अब इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग प्रोसेस। सबसे फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पर क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, मींस जो ओर हम एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के लिए यूज कर रहे हैं वो क्या होगा, बॉक्साइट, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसका, Al2O3.2H2O। अब इसमें सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या आ रहा है, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। तो प्यूरिफिकेशन इसका हम तीन मेथड है हमारे पास, तीन में से एक मेथड से हम इसका प्यूरिफिकेशन करते हैं। अब प्यूरिफिकेशन किस तरीके से करते हैं, कौन से मेथड से करते हैं, वो डिपेंड करता है कि उसमें किस टाइप की इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है। तो बेयर्स मेथड और होल्स मेथड हम यूज करते हैं रेड बॉक्साइट के लिए, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, जिसमें किस टाइप की इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होती है, Fe2O3 एंड सिलिकेट्स, सिलिका की इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होती है। अगर इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है तो हम होल्स मेथड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट मेथड होता है सरफेक्स मेथड, और ये कब यूज किया जाता है, जब व्हाइट बॉक्साइट होता है और उसमें सिलिका की इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होती है, तब। तो हम देख लेते हैं तीनों मेथड में क्या क्या है, किस तरीके से हम इसको प्यूरिफाई करते हैं। सबसे फर्स्ट है बेयर्स मेथड, इसको कब यूज करेंगे, जब रेड बॉक्साइट हम यूज कर रहे हैं और उसमें इम्प्यूरिटी किसकी प्रेजेंट है, Fe2O3 और सिलिका की। तो इसमें सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, लीचिंग एजेंट की फॉर्म में सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं, ठीक है। और फिर उसको Al2O3.2H2 मींस बॉक्साइट के साथ में हीट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास सोल्यूबल मेटा एलिमेंट बनता है और साथ में वाटर बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो इम्प्यूरिटी थी वो NaOH से रिएक्शन नहीं करेगी, Fe2O3 NaOH से रिएक्शन नहीं करता है, और जो सिलिका था वो NaOH से रिएक्शन करके सोल्यूबल सोडियम सिलिकेट बना लेता है, ठीक है। तो अभी Fe2O3 अपने आप यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और जो हमारे पास सोल्यूबल मटेरियल बना है, सोल्यूबल मास बना है, उसमें क्या प्रेजेंट है, सोडियम मेटाल्यूमिनेट और सोडियम सिलिकेट, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, Fe2O3 इनसोल्यूबल होता है तो रेड मेटल की फॉर्म में वहां से फिल्टर कर लेंगे उसको। फिर जो हमारे पास सॉल्यूशन आया है उसको डाइल्यूट कर लेते हैं, और सॉल्यूशन को हम
फ्रेशली प्रिपेयर्ड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से सीड करते हैं। तो ये सीडिंग एजेंट के फॉर्म में यहाँ पे वर्क करेगा, और इसका वर्क क्या होगा कि ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेशन जो है वो इंड्यूस कर देगा। ठीक है, तो जैसे ही एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेशन इंड्यूस होगा तो नेक्स्ट जो हमारे पास बन रहा होगा प्रोडक्ट है वो क्या होगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये देखो आप रिएक्शन देख सकते हो, सोडियम मेटा एल्युमिनेट में हमने क्या कर दिया है, सीडिंग एजेंट एड करेंगे तो वहां से क्या बन जाएगा हमारे पास, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। फर्दर जब हमारे पास एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है तो उसका हम कैल्सिनेशन कर लेते हैं, उसको हीट कर लेते हैं, तो उससे हमको क्या मिल जाता है, एलुमिना मिल जाता है, Al2O3 हमको मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, बेयर्स मेथड से बॉक्साइट का प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं। देखो ये तो यहाँ पर क्या होगा, इसका पीपीटी बन जाएगा, और जो सोडियम सिलिकेट था जो सोल्यूबल था वो उसी में सोल्यूबल दे जाता है और यहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्म में हमको मिल जाएगा। तो इसको फिल्ट्रेशन से हम सेपरेट कर लेंगे, फिर आफ्टर इसका कैल्सिनेशन कर लेते हैं तो Al2O3 एलुमिना हमको मिल जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है बेयर्स मेथड, यहाँ पर हम एज ए लीचिंग एजेंट यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास होल्स मेथड, होल्स मेथड में हम क्या करेंगे, ये भी रेड बॉक्साइट और Fe2O3 सिलिका की इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी तब यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ में जो हमारा बॉक्साइट है उसकी रिएक्शन करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट करवाएंगे इसको, तो उससे क्या होगा हमारे पास सोल्यूबल मेटा एल्युमिनेट बनेगा और CO2 बन जाएगी साथ में। देन जो हमारे पास सोल्यूबल मेटा एल्युमिनेट बना है उसकी रिएक्शन हम वापस CO2 से करवाते हैं तो उससे हमारे पास एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बन गया जाता है। ठीक है, फिर सेम यहाँ पर रिएक्शन होगी, इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट का हम क्या करेंगे, फर्दर कैल्सिनेशन कर लेंगे जिससे हमको Al2O3 एलुमिना मिल जाएगा। क्लियर, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सरफेक्स मेथड, यहाँ पर हम क्या करते हैं व्हाइट बॉक्साइट को इससे प्यूरीफाई करते हैं, इसमें सिलिका की इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होती है, तो इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक फर्नेस में हीट करते हैं कार्बन और नाइट्रोजन के साथ में बॉक्साइट को, तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, एल्युमिनियम नाइट्राइड मिल जाता है। इस एल्युमिनियम नाइट्राइड को फर्दर हम वाटर से रिएक्शन करवा देते हैं तो उससे हमारे पास एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और फर्दर इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट को हम क्या करेंगे, फिर कैल्सिनेशन के थ्रू इससे एलुमिना Al2O3 ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो सिलिका था SiO2 था वो कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, सिलिकन बना लेता है, और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वो सिलिकन वेपर फॉर्म में वहां से रिमूव हो जाता है। तो तीनों प्रोसेस से हमको Al2O3 मिला है, एल्युमिनियम ऑक्साइड मिल गया है। अब फर्दर क्या होगा, इस एल्युमिनियम ऑक्साइड का हम क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर रहे होंगे जिससे हमको क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट हमारे पास प्रोसेस था प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, बॉक्साइट और हमने प्यूरिफाई कर लिया, यहाँ से हमको ओनली Al2O3 रिक्वायर्ड था वो हमको ऑब्टेंड हो गया है। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, जिसको हम बोल देते हैं होल हेरोल्ट प्रोसेस, इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार इसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो क्या होता है वो हम देख लेते हैं, जो प्यूरिफाइड एलुमिना हमारे पास आया है मींस Al2O3 जो आया है उसको हम मिक्स कर देते हैं किसके साथ में, क्रायोलाइट और फ्लोस्पा के साथ में। क्रायोलाइट क्या होता है, Na3AlF6 और CaF2 फ्लोस्पा होता है, इनके साथ में हम इसको मिक्स कर देते हैं। अब इनको मिक्स करने से क्या होगा, देखो Al2O3 का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है, तो आप डायरेक्टली उसको मोल्टन फॉर्म में लेके नहीं आ सकते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्रायोलाइट और फ्लोस्पार एड कर रहे हैं। अब जब हम क्रायोलाइट और फ्लोस्पार एड करते हैं तो उससे यहाँ पर दो हेल्प हो जाती है, क्या हेल्प हो जाती है वो देखेंगे, एक तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा सबसे फर्स्ट, और दूसरा जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। कैसे, कैल्शियम फ्लोस्पार और क्रायोलाइट इन दोनों से आयंस फॉर्म होंगे, आयंस फॉर्म होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करेंगे हम, किस तरीके से होगा देख लेते हैं। तो Al2O3 और क्रायोलाइट और फ्लोस्पार का मिक्सचर हम इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में फिल कर देते हैं, इसमें जो हमने कैथोड बनाई है वो स्टील की कैथोड यूज की है, मींस आयरन क्लोड जो हम ये देख रहे हैं ये क्या करेगा, ऐसे कैथोड यहाँ पे वर्क करेगा, और ग्रेफाइट का हमने ये एनोड बनाया है, ये जो ब्लैक रोड्स आपको लगी ये क्या है, ग्रेफाइट का एनोड है। द ग्रेफाइट एनोड इज यूजफुल हियर फॉर द रिडक्शन ऑफ मेटल, मेटल के रिडक्शन में ग्रेफाइट एनोड यूज होता है। तो ये पूरा आप डायग्राम देख सकते हो, इसमें हमने क्या किया है, आयरन मीन्स स्टील का हमने कैथोड यूज किया है और ग्रेफाइट का एनोड यूज किया है। अब जो ओवरऑल रिएक्शन होगी, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो किस तरीके से हो जाएगी, वो इस तरीके से हमको दिखेगी। Al2O3 जो मोल्टन Al2O3 है वो कार्बन के साथ में रिएक्शन करके एल्युमिनियम बना रहा होगा और CO2 यहाँ से प्रोड्यूस होगी। अब हम इसको देखेंगे रिएक्शन किस तरीके से होगी, ये ओवरऑल रिएक्शन है। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें क्या हो रहा है वो हम देख लेते हैं। द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टन मास इज डन इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रोड, सभी हमने देखा। द O2 लिब्रेटेड एट एनोड रिएक्ट विद द कार्बन
ऑफ एनोड प्रोड्यूसिंग CO एंड CO2। अब देखो जब Al2O3 डिकम्पोज होगा तो उससे क्या बनेगा, Al3+ एंड O2-। ठीक है, ये आयंस बनेंगे। तो ये आप रिएक्शन में देख सकते हो, जब अब जो Al3+ बना है ये Al3+ मूव करेगा किधर, कैथोड की तरफ। कैथोड मतलब ये वाला पार्ट जो नेगेटिव है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम मेटल में, जो लिक्विड कंडीशन में होगी क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। और जो O2- आयन बने हैं वो मूव करेंगे एनोड की तरफ, ये ग्रेफाइट के जो एनोड है। अब एनोड किसका बना हुआ है, कार्बन का, ग्रेफाइट का। तो ये यहाँ से रिएक्शन करके दो इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीजन बना लेंगे, और वो ऑक्सीजन कार्बन से रिएक्शन करके CO2 बना लेता है फाइनली। ठीक है, मीन्स एनोड पर हमको क्या मिल रहा है, CO2। अब देखो जो हमने ग्रेफाइट का एनोड यूज किया था उससे रिएक्शन किसने कर ली, ऑक्सीजन ने। तो धीरे धीरे वो एनोड जो है खत्म होता जाता है, तो वो एनोड वहां पर डिसअपीयर होता जाएगा, इसलिए हम नंबर ऑफ एनोड यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ रोड्स ऑफ एनोड यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसका कुछ अमाउंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके खत्म होता जाता है, तो CO2 यहाँ से प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, सो दिस वे फॉर ईच किलोग्राम ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस्ड अबाउट 0.5 किलोग्राम ऑफ कार्बन एनोड इज बर्नड अवे। ठीक है, वो कैसे बर्न हो रहा है, CO2 की फॉर्म में, क्योंकि ऑक्सीजन जो बन रही है एनोड पर वो कार्बन से रिएक्शन करके वहां से रिमूव हो जा रही है। तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, मोल्टन फॉर्म में एल्यूमिनियम मिल जाएगा। तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो हम देख रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, एक्सट्रैक्शन ऑफ Fe, और यहाँ पर हम एक्सट्रैक्शन किससे कर रहे हैं, हेमेटाइट ओर से। ठीक है, तो ये एक आउटलाइन डायग्राम है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हेमेटाइट ओर हमने लिया आयरन का, उसका सबसे फर्स्ट हम रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करेंगे। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बाद हम इसको ब्लास्ट फर्नेस में ऐड कर देते हैं। वहां पर हम क्या ऐड कर रहे हैं, साथ में हॉट एयर, ऑक्सीजन, लाइम स्टोन और कोक। उससे क्या होगा, ब्लास्ट फर्नेस में रिडक्शन हो जाएगा कार्बन और कार्बन ऑक्साइड के थ्रू Fe2O3 का, जिससे हमको क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगी। तो वहां से हम पिग आयरन ऑब्टेन कर लेते हैं जो कि मेल्टेड फॉर्म में होता है, और स्लेग हमको इम्प्यूरिटी फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाता है, वो मिल जाएगा आपको इम्प्यूरिटी फॉर्म में। ठीक है, इसको देखते हैं हम किस तरीके से ये होगा। जो ऑक्साइड ओर है आयरन के, इसको हम कंसंट्रेट करते हैं कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से। ये कहाँ पर होगा, रिवर्बरेटरी फर्नेस में प्रोसेस होगा, और उससे क्या हो जाएगा, जो भी हाइड्रेटेड वाटर वहां पे प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाएगा, जो कार्बोनेट प्रेजेंट है उसमें एज इम्प्यूरिटी फॉर्म में वो रिमूव हो जाएंगे, और जो सल्फाइड प्रेजेंट है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, आफ्टर डेट दे आर मिक्सड विद लाइमस्टोन एंड कोक। लाइमस्टोन एंड कोक के साथ इसको मिक्स करेंगे और ब्लास्ट फर्नेस में इसकी रिएक्शन करवाएंगे कार्बन कोन अरेंजमेंट की हेल्प से। तो वहां पे क्या होगा, जितना भी रिडक्शन वाला प्रोसेस है वो ब्लास्ट फर्नेस में होगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं वो क्या होता है। जो ऑक्साइड होता है ब्लास्ट फर्नेस में वो मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहां पे किस तरीके से रिएक्शन होती है वो हम देख लेते हैं। जो रिडक्शन प्रोसेस है वो किस तरीके से होगा, तो Fe जो रहेगा वो कार्बन से रिएक्शन करके Fe बना लेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा साथ में। और जितने भी ऑक्साइड हैं आयरन के, Fe2O3, Fe3O4, वो कार्बन से रिएक्शन करके मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेंगे। और फर्दर ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है ये फिर रिमेनिंग जो भी ऑक्साइड होंगे आयरन के उनको रिड्यूस करके मेटल में कन्वर्ट कर रहा होगा और साथ में CO2 रिलीज कर देगा। तो आप देख सकते हो इस तरीके से रिएक्शन होगी। Fe2O क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा आयरन और ऑक्सीजन में और कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO बना लेगा। तो ये जो ओवरऑल रिएक्शन है वो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट की इस तरीके से। ठीक है, हॉट एयर इज ब्लोन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फर्नेस एंड कोक इज बर्न टू गिव टेम्परेचर अप टू 2200 केल्विन इन लोअर पोर्शन इटसेल्फ। तो ये ब्लास्ट फर्नेस जो होता है वो आप देख सकते हो किस तरीके का होगा। तो ये इस तरीके का ब्लास्ट फर्नेस होता है, इसमें सारी रिएक्शन होती है जितनी भी रिडक्शन की रिएक्शन है वो। अब इसमें क्या होता है वो हम देख लेते हैं। द बर्निंग कोक ऑफ देयरफॉर सप्लाइज मोस्ट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस। जो कार्बन को हम बर्न कर रहे हैं उससे जो भी टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा है तो उससे यहाँ पे एनर्जी मिल जाती है। ये ब्लास्ट फर्नेस से इसमें अप टू डाउन जब मूव करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता है और धीरे धीरे जो भी रिएक्शन है वो टेक्स प्लेस होती रहती है और रिएक्शन अकर होती रहती है। ये कप ऑन कोन अरेंजमेंट है, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं और लाइमस्टोन और कोक का जो मिक्सचर होता है वो यहाँ पर ऐड करते रहते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो मेटल बनेगा वो मेटल आपके पास यहाँ पे आ जाएगा और जो मोल्टन स्लैग है वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम उसको रिमूव कर लेते हैं। द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हीट मूव्स टू द अपर पार्ट ऑफ द फर्नेस। ये आप देख सकते हो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और जो हीट है वो अपर पार्ट में मूव करेगी धीरे धीरे। इन अपर पार्ट द टेम्परेचर इज लोअर एंड द आयरन ऑक्साइड Fe3O4 एंड Fe2O3 कमिंग फ्रॉम द टॉप आर रिड्यूस इन द स्टेप टू Fe2O। जो भी ऑक्साइड यहाँ से आ रहे हैं वो फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, Fe2O में, और फर्दर Fe2O का हम क्या करेंगे, रिडक्शन कर लेंगे, जिससे हमको क्या मिल जाएगी, मेटल मिल जाएगी, आयरन मिल जाएगा। ठीक है,
अब जो भी रिएक्शन है वो किस तरीके से होती है वो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। फर्दर हम इसको इंडिविजुअल भी देख रहे हैं। द रिएक्शन प्रोसीड इन द सेवरल स्टेजेस एट डिफरेंट टेंपरेचर सिंस द एयर पासेस थ्रू इन अ फ्यू सेकंड द इंडिविजुअल रिएक्शन डजंट रीच इक्विलिब्रियम। मतलब इंडिविजुअल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं आएगा क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है वो फ्यू सेकंड में यहाँ से पास हो जाती है, देख रहे हो आप यहाँ पे। तो अभी इंडिविजुअल रिएक्शन के बारे में देख लेते हैं। 500 टू 800 केल्विन लोअर टेम्परेचर पर क्या होगा ब्लास्ट फर्नेस में जो रिएक्शन होगी वो इस तरीके से होगी। Fe2O3 Fe3O4 इनका रिएक्शन हो रही है कि CO से और ये सब क्या बना रहे होंगे, ये बना रहे होंगे आयरन और उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहे होंगे, साथ में CO2 रिलीज हो जाएगी। तो ये आप रिएक्शन के थ्रू देख सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है 900 टू 1500 केल्विन पर हायर टेम्परेचर रेंज है प्लस फर्नेस में, उसमें क्या होगा कार्बन CO2 से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा होगा और ये कार्बन ऑक्साइड Fe को रिड्यूस कर रहा होगा आयरन मेटल में, ठीक है। फर्दर हम लाइमस्टोन जो ऐड करते हैं वो रिएक्शन होगी तो CaCO3 जो रहेगा लाइमस्टोन वो डिकम्पोज हो जाएगा CO और CO2 में और ये CO सिलिका से रिएक्शन करके कैल्शियम सिलिकेट की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये कैल्शियम सिलिकेट लिक्विड फॉर्म में रहेगा, स्लेग फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो ये स्लेग होता है लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो इस तरीके से रिएक्शन होगी। अब जो आयरन आपको ऑपरेंट हुआ है ब्लास्ट फर्नेस से उसमें क्या होता है 4% कार्बन होता है, बहुत सारी इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती है सल्फर फॉस्फोरस सिलिकन मैंगनीज की और इस आयरन को हम बोल देते हैं पिग आयरन और इसको अलग अलग वेराइटीज में कास्ट कर लेते हैं, हम अलग अलग वेराइटी अलग अलग शेप में कास्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम कास्ट करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं कास्ट आयरन। अब ये कास्ट आयरन क्या होता है, कास्ट आयरन इज अ डिफरेंट फ्रॉम पिग आयरन एंड इट इज मेड बाय मेल्टिंग पिग आयरन विद द स्क्रैप ऑफ आयरन कोक यूजिंग हॉट एयर ब्लास्ट। हम क्या करते हैं पिग आयरन में आयरन की स्क्रैप और कार्बन को मिक्स कर देते हैं तो उसमें क्या होता है इट हैज स्लाइटली लोअर कंटेंट ऑफ कार्बन, इट इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल। ये पिग आयरन जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है तो इसको हम इंडस्ट्रियल पर्पस में बिल्कुल यूज नहीं करते और जो कास्ट आयरन है ये एक्सट्रीमली हार्ड और ब्रिटल होता है, ठीक है। फिर अलग अलग वेरायटी आप पिग आयरन और कास्ट आयरन से बना सकते हो। फर्दर अगर आप रिडक्शन देखोगे तो इस तरीके से होंगे रोट आयरन और मिलेबल आयरन क्या होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन है। इसको प्रिपेयर हम किससे कर रहे हैं कास्ट आयरन से प्रिपेयर कर रहे हैं। इस तरीके से जो भी इम्प्यूरिटी है उसको हम ऑक्सीडाइज कर लेते हैं रिवर्बरेटिव फर्नेस में। तो आप इस तरीके से देख सकते हो Fe2O3 है उसमें कार्बन से रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा और Fe बन जाएगा। फिर इसमें क्या करते हैं लाइमस्टोन हम ऐड कर देते हैं तो उसमें सल्फर फॉस्फोरस और सिलिकॉन की जो इम्प्यूरिटी है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है स्लेग की फॉर्म में और मेटल आपको मिल जाएगी स्लेग से प्यूरिफाई होके, ठीक है। क्योंकि स्लेग रिमूव हो चुका है तो मेटल आपको ऑब्टेंड हो जाती है। द मेटल इज रिमूव्ड एंड फ्रीड फ्रॉम द स्लेग बाय पासिंग थ्रू रोलर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, कॉपर मेटल का हम एक्सट्रैक्शन कर रहे होंगे। कॉपर मेटल का अलग अलग फॉर्म से एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है, अलग अलग ओर से एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है, वो हम देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे फर्स्ट हम ले रहे हैं फ्रॉम क्यूप्रस ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड जो होता है CO2O उससे हम किस तरीके से ऑब्टेन करेंगे तो वो हम देख लेते हैं। इट इज इजी टू रिड्यूस ऑक्साइड ओर ऑफ कॉपर डायरेक्टली टू द मेटल बाय हीटिंग विद कोक, हाउएवर मोस्ट ऑफ द ओर्स आर सल्फाइड एंड सम मे आल्सो कंटेन आयरन, सो द सल्फाइड ओर आर रोस्टेड एंड स्मेल्टेड टू गिव ऑक्साइड। तो ये सल्फाइड ओर है CO2S, इसको हमने क्या कर लिया है रोस्टिंग कर ली है इसकी और उससे हमको क्या मिल जाएगा CO2O मिल जाएगा, कॉपर ऑक्साइड मिल जाएगा। देन ऑक्साइड कैन बी इजीली रिड्यूस टू मेटेलिक कॉपर बाय यूजिंग कोक, तो किस तरीके से होता है CO2 की रिएक्शन हम कार्बन से करवा देंगे कोक से करवा देंगे तो उससे क्या बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और कॉपर, तो यहाँ से आपको कॉपर मेटल मिल जाएगी। नेक्स्ट है फ्रॉम कॉपर ग्लांस कॉपर पायराइटीज सेल्फ रिडक्शन हम इसको बोलते हैं, कॉपर ग्लांस CuFeS2 या कॉपर पायराइट से हम किसको किस तरीके से ऑब्टेन करेंगे वो देख लेते हैं। इन दिस प्रोसेस द ओर इज हीटेड इन अ रिवर्बरेटरी फर्नेस, रिवर्बरेटरी फर्नेस जो होती है उसमें हम इसको हीट करते हैं आफ्टर मिक्सिंग विद सिलिका, सिलिका के साथ मिक्स करने के बाद हम इसको रिवर्बरेटरी फर्नेस में हीट कर रहे हैं। इन द फर्नेस आयरन ऑक्साइड स्लेक्स ऑफ एज आयरन सिलिकेट इन कॉपर इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ कॉपर मेटे, तो कॉपर जो प्रोड्यूस होता है कॉपर मेटे के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है दिस कंटेंट्स मोस्टली CO2S एंड सम FeS, कॉपर मेटे जो होता है उसमें CO2S होता है और FeS होता है, तो वो हम देख लेते हैं किस तरीके से रिएक्शन होगी। तो ये देखो जैसे आयरन पायराइट है उसका हमने रोस्टिंग किया तो उससे हमको CO2S और FeO मिल जाएगा और SO2 यहाँ से रिलीज हो जाएगी। अब जो CO2S और FeO है इसको हम SiO2 फ्लक्स ऐड करके फ्यूजिबल स्लेट बना लेते हैं जिससे क्या होता है FeO रिमूव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ आयरन सिलिकेट FeSiO3 CO2S और FeS का मिक्सचर हमको मिल जाता है जिसको हम बोल देते हैं मेटे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है वो रिवर्बरेटरी फर्नेस में होता है। कॉपर मेटे इज देन चार्ज इन टू द सिलिका लाइन कन्वर्टर बेसमर कन्वर्टर, ये जो है ये बेसमर कन्वर्टर है, ठीक है, और ये रिवर्बरेटरी फर्नेस है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है हम यहाँ हमने रोस्टिंग वाला प्रोसेस किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो
ये सोटू यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। देन कॉपर मेटल इन चार्ज मतलब सिलिका लाइन कन्वर्टर बेसमर कन्वर्टर, ये है बेसमर कन्वर्टर। सम सिलिका इज ऑल्सो एडेड एंड हॉट एयर ब्लास्ट इज ब्लोवन टू कन्वर्ट द रिमेनिंग FeS2। तो यहाँ से देख सकते हो हॉट एयर और सैंड का ब्लास्ट हम यहाँ से कर रहे हैं। यहाँ पे आपका पूरा जो मटेरियल वो फिल है मोल्टन मेटल और सैंड, वो यहाँ से जो भी गैसेज वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। और ये एसिडिक फ्लक्स हमने यहाँ पे एड किया। सम सिलिका इज एडेड एंड हॉट एयर ब्लास्ट इज ब्लोवन टू कन्वर्ट द रिमेनिंग FeS2 FeOC2S C2O टू द मेटेलिक कॉपर। मतलब सारा जो है वो हम अब किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मेटेलिक कॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो रिएक्शन होगी वो किस तरीके से होगी वो देख लेते हैं। जो FeS है वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा FeO, जो CO2S है वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा CO2। जो FeO बना है वो सिलिका के साथ में रिएक्शन करके फ्यूजिबल स्लिक बना लेगा, और जो CO2S है और CO2O है ये दोनों आपस में रिएक्शन करके जिसको हम सेल्फ रिडक्शन बोल रहे हैं कॉपर मेटल फॉर्म को लेते हैं और SO2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा। द सॉलिड कॉपर ऑब्टेंड हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू द एबलेशन ऑफ SO2। यहाँ पर ब्लिस्टरिंग का मतलब क्या है, जो SO2 बन रही है वो क्या कर रही है, कॉपर की सरफेस से रिलीज हो रही है। तो वहां पर क्या होगा, उस कॉपर की सरफेस पर बबल्स के फॉर्म में वहां से रिलीज होगी, तो उस पर होल्स हो जाते हैं, उसीलिए उसको हम बोलते हैं ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस। और जो कॉपर हमको मिलता है उसको हम बोल देते हैं ब्लिस्टर कॉपर। नेक्स्ट आ जाता है लो ग्रेड ओर एंड स्क्रेप। जो लो ग्रेड ओर होते हैं कॉपर के और जो स्क्रेप होता है उससे हम किस तरीके से कॉपर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लीचिंग करते हैं, लीचिंग ऑफ क्यूपराइट CO2 से अगर आपको ऑब्टेन करना है तो आप उसकी लीचिंग कर लो, CO2S से आपको ऑब्टेन करना है तो अभी आप लीचिंग कर लो। ये लीचिंग हम किस में करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 से हम करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो ये इससे क्या मिल जाता है आपको, CO4 का सोल्यूशन मिल जाता है और जो इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होती है वो अनडिजॉल्व रहती है एसिड में। लीचिंग करते हुए किससे रिएक्शन करवाई है, डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करवाई है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो उससे CuSO4 कॉपर सल्फेट बन जाएगा और इम्प्यूरिटी रिएक्शन नहीं करेगी तो अनडिजॉल्व रहेगी एसिड में। मेलाकाइट ग्रीन की जब हम लीचिंग कर रहे हैं तो उससे भी हमको क्या मिल जाएगा, कॉपर सल्फेट मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन आप देख सकते हो जैसे क्यूपराइट, तो क्यूपराइट ने क्या किया, H2SO4 और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करके CuSO4 का सोल्यूशन बना लिया। CO2S ने भी क्या किया, CuSO4 का सोल्यूशन बनाया। और मेलाकाइट ग्रीन CuOH CuCO3 इसने भी क्या बना लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना लिया। कॉपर मेटल कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन किस तरीके से, इलेक्ट्रोलाइजिंग आप इसका कर लो या इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर लो, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, कॉपर मेटल मिल जाएगी। उसमें आपको क्या करना है, कैथोड जो लेना है वो कॉपर मेटल का लेना है प्योर का, और एनोड जो बनाना है आपको लेड का बनाना है, ठीक है। तो कॉपर मेटल आपको कहाँ पे मिल जाएगी, कैथोड पर आपको कॉपर मेटल ऑब्टेंड हो जाती है। तो अब आप उसको ट्रीट कर लो आयरन के स्क्रैप, तो वो क्या करेगा, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इस तरीके से आपको कॉपर मेटल ऑब्टेंड हो जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन थे, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने बेसिक स्टेप देखे थे मेटलर्जी के, तो वहां पर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, उसमें हमने कॉपर का ही एग्जांपल लिया था, तो वहां पे भी आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम। एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम हम देख रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट इसमें आ रहा है कोर्नेलाइट से। कोर्नेलाइट से किस तरीके से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे मैग्नीशियम को, कोर्नेलाइट क्या होता है, KCl.NgCl2.6H2O। तो सबसे फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, ओर को डिहाइड्रेट करेंगे, तो 6H2O उसको रिमूव करेंगे। अब डिहाइड्रेट कैसे करते हैं, द ओर इज डिहाइड्रेटेड इन अ करंट ऑफ HCl एंड अ मिक्सचर ऑफ फ्यूज क्लोराइड। उस तरीके से हम इसको डिहाइड्रेट करते हैं, तो उससे क्या बन जाएगा, फिर KCl.MgCl2 बन जाएगा, फिर हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर लेंगे तो हमको मैग्नीशियम मेटल मिल जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है फ्रॉम सी वाटर, जिसको हम बोल देते हैं डोज प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है, सी वाटर में 0.13% मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट। तो इसमें अलग अलग स्टेप हैं, उनकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है प्रेसिपिटेशन ऑफ मैग्नीशियम इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले हमने क्या बनाया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। जो सी वाटर है उसकी रिएक्शन हम किससे करवा देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो हमको क्या मिल जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को फर्दर हम क्या करते हैं, हाइड्रेट करते हैं, ठीक है। किस तरीके से, प्रिपरेशन ऑफ हेक्सा हाइड्रेटेड मैग्नीशियम क्लोराइड। किस तरीके से हाइड्रेट कर रहे हैं, जैसे जो MgOH2 हमको मिला है उसकी रिएक्शन HCl से करवा देंगे तो MgCl2 बन जाएगा। इस MgCl2 का हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, उससे हमको क्या मिल जाता है, MgCl2.6H2। अब हम क्या करते हैं, जो हमको हाइड्रेटेड मैग्नीशियम क्लोराइड मिला है उसको हम एनहाइड्रस बनाते हैं। अब एनहाइड्रस इसको डायरेक्ट भी बनाया जा सकता है,
लेकिन हम डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट एनहाइड्रस बनाएंगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन आप देख सकते हो, डायरेक्ट अगर हम बना रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर हम कैल्सिनेशन के थ्रू बना रहे हैं यूजिंग ड्राई HCl तो वो मैग्नीशियम क्लोराइड हमको मिल जाता है। ठीक है, अब ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड हमको मिला है इसका फर्दर इलेक्ट्रोलाइसिस हम कर लेते हैं, जिससे हमको मैग्नीशियम मेटल मिल जाती है। मैग्नीशियम क्लोराइड ऑब्टेन्ड बाय एनी ऑफ द अबव मेथड इज फ्यूज्ड एंड मिक्स विद सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ 973 to 1023 केल्विन। ठीक है, इस टेम्परेचर रेंज में हम उसको मेल्ट करके उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं। मैग्नीशियम अगर लिबरेट होगा तो कहाँ पर लिबरेट होगा, कैथोड पर, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई भी मेटल आपको मिल रही है तो वो कहाँ पर मिलेगी, कैथोड पर मिलेगी। ठीक है, आयरन का जो पोर्ट है वो हमने यहाँ पर एज ए कैथोड यूज किया है, एंड क्लोरीन इज इवॉल्व एट द ग्रेफाइट एनोड। तो जो ग्रेफाइट एनोड है यहाँ पर आपको क्लोरीन गैस मिल जाती है। ठीक है, तो रिएक्शन जो होगी वो इस तरीके से होगी, देख सकते हो आप, MgCl2 डिकम्पोज हो जाएगा, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो Mg2+ और 2Cl- में। कैथोड पर क्या होगा, रिएक्शन होगी, Mg2+ कैथोड पर चला जाएगा, क्योंकि कैथोड नेगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, वहां से मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि 99% प्योर होता है। एनोड पर क्या होगा, Cl- आयन मूव करेगा, क्योंकि एनोड पॉजिटिव होता है, तो वो वहां पर क्या बना लेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस बना लेता है, वहां से क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी। अ स्ट्रीम ऑफ कोल गैस इज पास थ्रू द पोर्ट टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम। हम क्या कर रहे हैं, कोल गैस का स्ट्रीम पास करते हैं, क्योंकि जो मैग्नीशियम बना है वो फर्दर अगर ऑक्सीडाइज हो गया तो जो मेटल हमको ऑक्सीडेट करनी थी वो नहीं मिलेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, कोल गैस की स्ट्रीम पास कर देते हैं, जो प्रिवेंट करती है ऑक्सीडेशन मैग्नीशियम का। द मैग्नीशियम ऑब्टेन इन द लिक्विड स्टेट इज प्यूरिफाइड बाय डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, और डिस्टिलेशन से हम क्या करते हैं उसको फिर प्यूरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट हमारे पास प्रोसेस आता है फ्रॉम द डोलोमाइट। डोलोमाइट से भी हम मैग्नीशियम को ऑब्टेन कर सकते हैं। डोलोमाइट का फॉर्मूला होता है CaCO3.MgCO3। इससे हमको कैसे ऑब्टेन करना है वो हम देख लेते हैं। जो कंसेंट्रेटेड ओर होता है उसको हम कैल्सिनेशन कर लेते हैं हाई टेम्परेचर पर, जो CaCO3.MgCO3 में है। इसका अगर हम कैल्सिनेशन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, CaO.MgO मिल जाएगा, और CO2 यहाँ से रिलीज हो जाएगी। अब कैल्सिनेशन के बाद इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं फेरोसिलिकॉन से 1273 केल्विन टेम्परेचर और रिड्यूस प्रेशर पर। तो ये इसका हम इस तरीके से यहाँ से रिडक्शन कर रहे होंगे, फेरोसिलिकॉन से CO.MgO+FeCO, इससे क्या मिल जाएगा हमको, मैग्नीशियम मेटल ऑब्टेंड हो जाती है। तो ये लेक्चर हमारा यहीं पर कंप्लीट हो रहा है। इसमें हमने एक्सट्रैक्शन पढ़ा है डिफरेंट मेटल का, इनमें से मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कंप्लीटिव एग्जाम है मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने इन मेटल्स को स्टडी किया है, इनका एक्सट्रैक्शन स्टडी किया है। अब देखो हमने जो मेटल स्टडी की है वो कौन कौन सी है, सबसे पहले सोडियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, इनका एक्सट्रैक्शन हमने स्टडी किया, उसके बाद आयरन, फिर कॉपर और मैग्नीशियम। तो इनका एक्सट्रैक्शन आपको थोड़ा बहुत इसकी नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि कंप्लीट एग्जाम में इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आता है। इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू हम तक पहुंचा सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, आप चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।